जय गुरुदेव, जय महर्षि। आज हम एक प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं, वो है कंस्ट्रक्ट, क्लास 7 का है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। ये आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में एग्जांपल 1 है, पेज 138 पर। ये उसी पर आधारित प्रश्न है। इसमें कुछ एक हद थोड़े कुछ वैल्यू हमने थोड़ी सी चेंज कर दी है, बाकी सिमिलर है, क्योंकि वो एग्जांपल है, तो आप उसको पढ़ के वहाँ से समझ लेंगे। थोड़ी सी वैल्यू चेंज करके आपको आइडिया समझ में आ जाए, इसके लिए हमने यहाँ पर ये लिया है। ये देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ एक ड्राई ट्रेंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3.5 बी सी 3.5 एंड ए सी इज इक्वल टू 5, ए सी इज 5 सेंटीमीटर। हाँ, बहुत ईजी है। हाँ, दोनों साइड बराबर, तो आइसोसेलेस ट्रेंगल होगा। सब में पहले हम क्या करते, ए बी को हम ए पॉइंट लेते हैं, वहाँ से 5 सेंटीमीटर दूरी पर दूसरा पॉइंट बी मार्क कर देते हैं, और एक हल्की लाइन से आप चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हैं उनको। अब ए इज ए सेंटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस कंपास में ले खोलेंगे कंपास को इतना कि, और 5 सेंटीमीटर का स्केल से मेजर करके ले लेंगे डिस्टेंस, और फिर ए पर रखेंगे। ए इज ए सेंटर, विल ड्रा एन आर्क, ये वाली आर्क ड्रा कर, यहाँ हमारा सर्कल ड्रा हो रहा है, मगर ये आप यहाँ सिर्फ छोटी सी का आर्क डाल दे, ड्रा कर दे, इधर इस साइड करें या नीचे भी कर सकते हो, मगर जनरली अपन लोग जो दी है लाइन उसके ऊपर ही थोड़ा स्पेस लिख के लाइन खींचते हैं, और यहाँ पर एक आर्क लगा देते हैं। फिर ये 3.4 सी, अब सी इस पॉइंट पर ए बी ए से 5 सेंटीमीटर दूर इस सर्कल पर कहीं भी हो सकता है, मगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन जानना है सी की, कि बी से कितना दूर है ये दिया हुआ है हमें। तो बी इज ए सेंटर, फिर 5 सेंटीमीटर की रेडियस कंपास में हम लेंगे, और कंपास से फिर एक आर्क हम ये वाली आर्क ड्रा करेंगे। अब छोटा सा पार्ट भी ड्रा कर सकते हैं, इसका भी यहाँ से इतना इतनी ड्रा करिए जितने जब जहाँ इंटरसेक्ट हो जाए वो दोनों, और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाना ही हमारा मकसद है, क्योंकि ये पॉइंट ही हमारा पॉइंट सी होगा जो ए से 5 सेंटीमीटर दूर है और बी से 3.4 सेंटीमीटर दूर है। मीन्स ये एग्जैक्ट एक लोकेशन होगी, एक दूसरी लोकेशन इसकी और भी हो सकती, इधर नीचे हो सकती, ये यहाँ इस पॉइंट पर ये हो रहा ना, ये दोनों सर्कल मीट कर रहे हैं, ये भी मीट कर रहा है ये भी, तो पॉइंट का दूसरा सी का लोकेशन ये भी हो सकता है। आप ये भी बनाएं तो भी चलेगा, ऐसे कोई बात नहीं, पर जनरली हम लोग जो लाइन लेते हैं, एक कोई लाइन ड्रा के तो उसके ऊपर ही फिगर बनाते हैं ज्योमेट्री में, तो ये हमारा एक ये फिगर हुआ। अब इसको फिर से समझ लीजिए कि हमने ए बी एक 5 सेंटीमीटर ए पॉइंट लिया, वहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर पर हमने पॉइंट बी लिया, फिर सी ले पता करने के लिए हम ए से सी का डिस्टेंस देखेंगे, ए से सी का डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो हमने 5 सेंटीमीटर का क्या किया, कंपास में रेडियस ली और ए एज ए सेंटर हम एक आर्क ड्रा कर दी। हाँ, बी से भी आप शुरू कर सकते थे, बी के बी से भी ये कर दिया, और हम अब इस बार बी एज ए सेंटर और रेडियस कितने लेंगे कंपास में 3.4, और इंटरसेक्ट करते हुए हम यहाँ पर ये, और जहाँ दोनों आर्क, आपकी आर्क होगी मेरे सर्कल है, मतलब ये भी आर्क, इन दोनों का जो इंटरसेक्ट है उस पॉइंट को पर पेंसिल रखिए और थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, तो पॉइंट सी की पोजीशन आप पॉइंट सी लिख दीजिए, फिर दोनों को आप क्या करेंगे, दो ए पॉइंट को और बी पॉइंट
को सी से जोड़ देंगे और ए बी को भी थोड़ा, और आप मतलब बराबर परफेक्ट तीनों एक लाइन एक बराबर थिकनेस की हो और एक ब्राइटनेस भी उनका इक्वल हो, ऐसे आप ड्रा कर लीजिए या फिर मेजरमेंट लिख दीजिए। यहाँ ये ऑटोमेटिक बन जाता है कलर, हाँ कलर को हटाना हो तो हम हटा सकते हैं। हाँ ये इसको देखिए, ये हमने कर दिया। अब यहाँ रंगीन है, आप आपके ब्लैक पेंसिल से बनाना है तो ब्लैक ही आएगा। ये सब पॉइंट भी आपको पेंसिल नहीं लिखना है, ब्लू ये तो कलर प्रोविजन इसमें दिया था तो इसलिए हमने ये दिखे, हम ब्लैक में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। और मगर वो ब्लैक में फिर आपका उतना ये ब्लैक है हो गया, हाँ ये हमारा ब्लैक हो जाएगा, ये भी ब्लैक कर लेंगे। मगर ये कोई नहीं, अगर ब्लू भी हो तो अब ये इस हम तो इस तरह से हमने ये सीखा। एक और हमने एक वन मोर सिमिलर प्रॉब्लम इसमें नीचे दे रहे हैं, हाँ आप इसको देखिए। ये हमारा प्रॉब्लम ये है, इसमें तीनों साइड दी हुई हमें, इसका मेजरमेंट दिया हुआ, ये एक ड्रा ए ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट डी ई इज 7 सेंटीमीटर। तो हम इसमें डी ई को 7 सेंटीमीटर ड्रा कर लेंगे। डी ई पहले डी पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और ई पॉइंट को स्केल से खींचते हो जाएंगे, यहाँ 7 सेंटीमीटर आता है वहाँ पर पेंसिल को थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो ई पॉइंट पर, फिर दोनों को हम डी और ई लिख देंगे। फिर हम हमारा क्या करेंगे, हम डी पर कितने डी एफ का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, डी ई 7 सेंटीमीटर, डी ई ये डी एफ है भाई, हाँ तो इसको हम करेक्शन कर लेते हैं, ये डी एफ डी एफ 7 सेंटीमीटर, डी एफ ये था, सॉरी डी एफ गलत जगह कर दिया मैंने, डी ई 7 सेंटीमीटर और ई एफ 5.8 सेंटीमीटर, डी ई ये होना चाहिए, डी एफ डी एफ। अब ये हमारा कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, तो अब डी एज ए सेंटर लें और हम 6 सेंटीमीटर फिर कंपास में रेडियस को लें और एक आर्क लगाएं हम, ये हमने आर्क ड्रा किया। आर्क क्या, हमारा तो सर्कल है यहाँ, या आप आर्क इतनी यहाँ से इतनी एक आर्क ड्रा कर लीजिए। फिर ई एज ए सेंटर लीजिए और 5.8 ये जो ई एफ, हमें एफ की पोजीशन निकालनी है जो डी से 6 सेंटीमीटर दूर है और ई से 5.8, तो यहाँ पर हम पिन रखेंगे और पेंसिल पॉइंट से एक आर्क हम ड्रा कर देंगे, ये वाली आर्क, ऑल राइट। और ये पहले वाली थी, ये नहीं, ये वाली है, तो दोनों जहाँ इंटरसेक्ट है उस पॉइंट पर हम एक पेंसिल की का पॉइंट रख के थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो F पॉइंट आएगा। आप यहाँ F लिख दीजिए, फिर डी एफ को डी ई को और ई एफ को पेंसिल से इक्वल डार्कनेस में आप उसको लाइन खींच दीजिए और मेजरमेंट लिख दीजिए आपका, और ये जो आपके आर्क्स रहेगी बहुत लाइट रहेगी, ये याद रख रहे हैं, ये थोड़ा सा कंपेरेटिव डार्क रहेगा। अब आप इसका हमें यहाँ कलर ज़्यादा दिख रहा था तो कलर हटा दें, तो फिर हमारा
यह इस तरह का एक फिगर मिलेगा, ये आपके ये सब पेंसिल से लिखना होगा तो ये रंग बिरंगे नहीं आएंगे, ये तो स्क्रीन पे अच्छा दिखे और आपको समझ में आए इसलिए हमने बनाया था। तो इस तरह से हमने दो एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस किए और आपको समझ में आया होगा और आप अच्छे से गणित का आनंद लीजिए और गणित सीखिए। गणित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जय गुरुदेव, जय महर्षि।